मॉर्निंग स्टूडेंट्स, देखिए बेटा, पिछली जो अपनी क्लास थी उस क्लास में अपन ने पढ़ा था रसारोहण के बारे में। किनके बारे में? रसारोहण के बारे में। इससे पहले अपन बात कर रहे थे रसारोहण से पहले जल अवशोषण के बारे में। किसके बारे में? जल अवशोषण के बारे में, वाटर एब्जॉर्प्शन के बारे में। वाटर एब्जॉर्प्शन में आप लोगों को कुछ पार्ट क्या करवा दिया गया था? कंप्लीट करवा दिया गया था। इसके अलावा कुछ पार्ट क्या था? शेष था। कुछ पार्ट क्या था? शेष था। उसी पार्ट के बारे में अपन क्या करते हैं? दोबारा से अध्ययन करते हैं। देखिए बेटा, वाटर जो एब्जॉर्प्शन आप लोगों को बताया गया था, पादपों में जो जल अवशोषण होता है, पादपों के द्वारा जो जल अवशोषित किया जाता है, वो जो जल होता है वो कौन सा होता है? केशिका जल होता है। कौन सा होता है? केशिका जल होता है, जिसे अपन क्या बोलते हैं? कैपिलरी वाटर। क्या बोलते हैं? कैपिलरी वाटर। मतलब पादप सिर्फ और सिर्फ केशिका जल को ही मृदा से क्या कर पाते हैं? अवशोषित कर पाते हैं। मृदा जल के आप लोगों को पांच प्रकार बताए गए थे, उनमें से सिर्फ ओनली एक प्रकार केशिका जल ऐसा था, कैपिलरी वाटर ऐसा था, जिनको पादप मृदा से क्या कर रहे थे? अवशोषित कर रहे थे। और ये जो कैपिलरी जल होता है बेटा, उसमें मृदा के कण जो होते हैं उनके चारों तरफ जल की क्या बन जाती है? एक परत बन जाती है। जल की क्या बन जाती है? एक परत बन जाती है। या फिर ये जो जल होता है वो मृदा कणों के बीच में क्या हो जाता है? एकत्रित हो जाता है, जिसे पादप क्या कर पाते हैं? अवशोषित कर पाते हैं। इसके अलावा वाटर एब्जॉर्प्शन, जल अवशोषण जो बताया था, वो मेनली किनके द्वारा होता है? रूट हेयर्स के द्वारा संपन्न होता है। किनके द्वारा होता है? रूट हेयर्स के द्वारा क्या होता है? संपन्न होता है। मूल रोम के द्वारा पादप जल का क्या करते हैं? अवशोषण कर पाते हैं। इसके अलावा मैंने आप लोगों को बताया था कि जो वाटर एब्जॉर्प्शन होता है वो कितने प्रकार का होता है? दो प्रकार का होता है। एक तो कौन सा होता है? सक्रिय जल अवशोषण, एक्टिव एब्जॉर्प्शन। एक तो कौन सा था? एक्टिव एब्जॉर्प्शन। इसके अलावा दूसरा कौन सा था? पैसिव एब्जॉर्प्शन। दूसरा कौन सा था बेटा? पैसिव एब्जॉर्प्शन। जल अवशोषण लगभग दो प्रक्रियाओं द्वारा या फिर दो विधि द्वारा क्या होता है? संपन्न होता है, जिसमें पहली विधि कौन सी है? सक्रिय जल अवशोषण। इसके अलावा दूसरी कौन सी है? निष्क्रिय जल अवशोषण। जो सक्रिय जल अवशोषण विधि होती है उनमें किनको काम में लिया जाता है बेटा? एटीपी को काम में लिया जाता है। किनको काम में लिया जाता है? एटीपी को काम में लिया जाता है। जबकि जो निष्क्रिय जल अवशोषण होता है उनमें एटीपी को काम में नहीं लिया जाता है। तो सक्रिय जल अवशोषण किनके द्वारा संपन्न होता है? मूल रोमों के द्वारा, चाहे सक्रिय जल अवशोषण हो चाहे निष्क्रिय जल अवशोषण हो, किनके द्वारा संपन्न होता है? मूल रोम के द्वारा संपन्न होता है। जबकि जो सक्रिय जल अवशोषण होता है उनमें किनकी आवश्यकता होती है? एटीपी की आवश्यकता होती है। जबकि निष्क्रिय जल अवशोषण होता है उनमें एटीपी की आवश्यकता नहीं होती है। अब आप लोगों को बताया था कि जो सक्रिय जल अवशोषण होता है वो भी कितने प्रकार का होता है? दो प्रकार का होता है। कितने प्रकार का होता है बेटा? दो प्रकार का होता है। एक तो होता है परासरणी प्रक्रम द्वारा सक्रिय जल अवशोषण। इसके अलावा दूसरा होता है अपरासरणी प्रक्रम द्वारा जल अवशोषण, जिसको अपन बोल सकते हैं। एक तो होगा बेटा परासरणी प्रक्रम द्वारा ऑस्मोटिक प्रकार का। इसके अलावा दूसरा कौन सा होगा बेटा? नॉन ऑस्मोटिक प्रकार का। दूसरा कौन सा होगा बेटा? नॉन ऑस्मोटिक प्रकार का जल अवशोषण। अब जो अपने पास में सबसे पहले बात करेंगे अपन किसके बारे में? परासरणी प्रक्रम द्वारा सक्रिय जल अवशोषण के बारे में। तो परासरणी प्रक्रम का जो सक्रिय जल अवशोषण था उनके बारे में सबसे पहले किसने बताया था बेटा? डिट्रोचैट ने। वैज्ञानिक था कौन था बेटा? डिट्रोचैट ने परासरणी प्रक्रम के द्वारा सक्रिय जल अवशोषण के बारे में क्या किया था बेटा? बताया था। और इन्होंने बताया था कि परासरणी प्रक्रम द्वारा सामान्यतः पादप के मूल रोम द्वारा जल क्या किया जाता है? अवशोषित किया जाता है। मूल रोम से कहाँ तक जाता है? कॉर्टेक्स वाले भाग तक जाता है। कॉर्टेक्स से कौन से भाग तक जाता है? एंडोडर्मिस वाले भाग तक जाता है। एंडोडर्मिस से फिर कहाँ तक पहुंचा दिया जाता है? जाइलम तक पहुंचा दिया जाता है। और जाइलम से फिर पादप के विभिन्न भागों तक जल क्या कर दिया जाता है? स्थानांतरित कर दिया जाता है। तो ऑस्मोटिक जो प्रक्रम था वो किसने बताया था? डिट्रोचैट ने बताया था। और डिट्रोचैट ने डिट्रोचैट के अनुसार ही अपन बता रहे हैं, पहली कंडीशन तो ये थी कि बेटा जो अपने पास में कोशिका होती है, जो अपने पास में क्या पाई जाती है बेटा? कोशिका होती है, जिसमें क्या पाया जाता है? कोशिका रस पाया जाता है। उस कोशिका रस का जो ऑस्मोटिक प्रेशर होता है वो लगभग कितना है? होता है 2 से 8 एटीएम के करीब।
कोशिकाओं में सामान्य कोशिकाओं के कोशिका रस में जो ऑस्मोटिक प्रेशर होता है, पराश्रय दाब होता है, वो लगभग कितना होता है? 2 से 8 atm के करीब पाया जाता है। इसके अलावा जो अपने पास में मृदा जल होता है, कौन सा जल होता है? का मृदा जल। और मृदा जल में भी कौन सा है? अपने पास में केशिका जल। कौन सा जल है? केशिका जल है। उस केशिका जल का जो ऑस्मोटिक प्रेशर होता है वो लगभग कितना होता है? 1 atm के करीब होता है। कितना होता है? 1 atm के करीब होता है। तो जो कोशिका है, कोशिका रस का ऑस्मोटिक प्रेशर लगभग 2 से 8 atm के करीब। इसके अलावा केशिका जल होता है उसका ऑस्मोटिक प्रेशर होता है लगभग कितना होता है? 1 atm के करीब होता है। जिससे जिन कोशिकाओं का ऑस्मोटिक प्रेशर क्या होता है? अधिक पाया जाता है, उन कोशिकाओं में विलायक क्या होता है? बेटा कम पाया जाता है। विलायक के रूप में क्या पाया जाता है? जल पाया जाता है। जल क्या होता है? बेटा कम पाया जाता है। और जो केशिका जल होता है उसका पराश्रय दाब कितना होता है? 1 atm होता है। तो इनमें जल जो होता है वो कितना पाया जाता है? अधिक पाया जाता है। जल क्या होता है? अधिक पाया जाता है। तो जल विभव प्रवणता के आधार पर जल जो मृदा जल होता है, केशिकीय जल होता है, वो किनमें प्रवेश करता है? कोशिकाओं में प्रवेश करता है। किनमें प्रवेश करता है? कोशिकाओं में प्रवेश करता है। और कोशिकाओं में प्रवेश करने के पश्चात जाइलम तक पहुंचता है, और जाइलम से फिर पादप के विभिन्न भागों तक क्या कर दिया जाता है? स्थानांतरित कर दिया जाता है। और कोशिका रस में जो प्रोटोप्लाज्म पाया जाता है, प्रोटोप्लाज्म के द्वारा ये जल प्रत्येक कोशिकाओं से होता हुआ घाटक पहुंचता है जाइलम तक। और जाइलम में फिर क्या पाई जाती है? बेटा वाहिकाएं पाई जाती है, जो इन्हें क्या करती है? मूल वाले भाग से लेकर के शीर्ष वाले भाग तक क्या कर देती है? स्थानांतरित कर देती है। तो पहला कौन सा हो गया? बेटा पराश्रयणी प्रक्रम द्वारा जल का अवशोषण। इसके अलावा दूसरा होता है बेटा नॉन ऑस्मोटिक प्रकार का, जिसे अपन क्या बोलते हैं? अपराश्रयणी प्रक्रम। अपराश्रयणी प्रक्रम द्वारा जल का अवशोषण। अपराश्रयणी जो प्रक्रम होता है, जिसमें वैज्ञानिक थे बेटा, जिसका नाम था बनेट एवं क्लार्क। जिसका नाम क्या था? बनेट एवं क्लार्क। इन्होंने ये बताया था कि कुछ जो विशेष परिस्थितियां होती है, क्या होती है बेटा? कुछ विशेष परिस्थितियां होती हैं, उन विशेष परिस्थितियों में जल अपनी निम्न सांद्रता से उच्च सांद्रता की ओर क्या करता है? गमन करता है। जल निम्न सांद्रता से उच्च सांद्रता की ओर क्या करता है? गमन करता है। तो निम्न सांद्रता की अगर अपन बात करें, इसकी बात करें बेटा अपन निम्न सांद्रता की बात करें, तो निम्न सांद्रता में जो जल होता है वो कैसी मात्रा में पाया जाता है? कम मात्रा में पाया जाता है। कैसी मात्रा में पाया जाता है? कम मात्रा में पाया जाता है। जबकि उच्च सांद्रता की बात करें तो जल क्या होता है बेटा? यहाँ पर अधिक पाया जाता है। जल क्या होता है? अधिक पाया जाता है। मतलब विलायक क्या होता है? अधिक पाया जाता है। जो मृदा जल होता है एक प्रकार का क्या होता है बेटा? विलयन होता है, जिसमें क्या पाए जाते हैं? विलेय के अणु भी पाए जाते हैं। उनके बारे में बता रखा है कि वो अपनी निम्न सांद्रता से विलयन उच्च सांद्रता की ओर क्या करता है? गमन करता है। तो जो अपने पास में मृदा जल होता है, केशिकीय जल होता है, वो तो कैसा होता है? निम्न सांद्रता युक्त होता है। कैसा होता है? निम्न सांद्रता युक्त होता है। इसके अलावा जो जाइलम की कोशिकाएं होती है उनमें कैसी सांद्रता पाई जाती है बेटा? उच्च सांद्रता पाई जाती है। क्या पाई जाती है? उच्च सांद्रता पाई जाती है। या फिर अपन कह सकते हैं मूल रोम के चारों तरफ पाए जाने वाला जो जल है वो तो निम्न विलयन है, वो कैसा होता है? निम्न सांद्रता युक्त होता है। इसके अलावा इनके पास में मूल रोम की जो कोशिकाएं पाई जाती है उनमें कैसी पाई जाती है बेटा? उच्च सांद्रता पाई जाती है। तो जल विभव प्रवणता के विपरीत, किसके विपरीत बेटा? जल विभव प्रवणता के विपरीत जल क्या करता है? गमन करता है। विपरीत गमन करता है तो इनको किनकी आवश्यकता होती है बेटा? एटीपी की आवश्यकता होती है। किनकी आवश्यकता होती है? एटीपी की आवश्यकता होती है। जल अपने कम विभव क्षेत्र से अधिक विभव क्षेत्र की ओर जब गमन करता है तो किनकी आवश्यकता होती है? एटीपी की आवश्यकता होती है। और ये एटीपी इन्हें कहां से प्राप्त होती है बेटा? पौधों में पाए जाने वाले रेस्पिरेशन की जो प्रक्रिया होती है, उस रेस्पिरेशन की प्रक्रिया द्वारा इनको एटीपी क्या होती है? प्राप्त होती है। तो पहला अपने पास में कौन सा हो गया बेटा? एक्टिव एब्जॉर्प्शन, जिनमें किनकी आवश्यकता होती है? एटीपी की आवश्यकता होती है। जो कितने प्रकार का होता है? दो प्रकार का, एक तो ऑस्मोटिक, इसके अलावा दूसरा कौन सा होगा? नॉन ऑस्मोटिक।
ऑस्मोटिक में ये बताया गया था कि जो कोशिकाओं के अंदर कोशिका रस पाया जाता है उनका ऑस्मोटिक प्रेशर लगभग कितना 2 से 8 ATM, और मृदा जल का जो ऑस्मोटिक प्रेशर होता है वो कितना पाया जाता है 1 ATM के करीब पाया जाता है, जिसके कारण जल जब विभव प्रवणता के अनुसार अपने अधिक विभव क्षेत्र से निम्न विभव क्षेत्र की ओर क्या करता है गमन करता है और जाइलम कोशिकाओं तक क्या हो जाता है पहुंच जाता है, और फिर जाइलम वाहिकाओं द्वारा पादप के विभिन्न भागों तक क्या कर दिया जाता है स्थानांतरित कर दिया जाता है। अगली बात आती है किनके बारे में बेटा, नॉन ऑस्मोटिक के बारे में। नॉन ऑस्मोटिक में किनकी आवश्यकता होती है, एटीपी की आवश्यकता होती है, और वो एटीपी कहां से प्राप्त होती है, रेस्पिरेशन श्वसन की प्रक्रिया से या फिर उपापचय क्रियाओं से क्या होती है प्राप्त होती है, जिसके दौरान क्या होता है जल अपनी जल विभव प्रवणता के अनुसार गमन नहीं करता है, वो जल विभव प्रवणता के विपरीत दिशा में क्या करता है गमन करता है, जिससे इनको किनकी आवश्यकता होती है एटीपी की आवश्यकता होती है। तो ये कौन सी होगी बेटा, नॉन ऑस्मोटिक प्रकार का एक्टिव वाटर एब्जॉर्प्शन। तो एक्टिव वाटर एब्जॉर्प्शन। अब अगली बात आती है किनके बारे में बेटा, पैसिव एब्जॉर्प्शन के बारे में। किनके बारे में, पैसिव एब्जॉर्प्शन के बारे में, जिसे अपन क्या बोलते हैं निष्क्रिय जल अवशोषण बोलते हैं, जिनमें किसी भी प्रकार से एटीपी की आवश्यकता नहीं होती है। किनकी आवश्यकता नहीं होती है, एटीपी की आवश्यकता नहीं होती है। सामान्य रूप से अगर अपन हिस्टोलॉजी की बात करें तो जो अपने पास में बाहर की तरफ मूल रोम की अगर अपन इंटरनल स्ट्रक्चर देखें तो बाहर की तरफ क्या पाई जाती है बेटा, अपने पास में एपिडर्मिस पाई जाती है। एपिडर्मिस पर क्या पाए जाते हैं, मूल रोम पाए जाते हैं। नीचे इनका कौन सा भाग पाया जाता है, कॉर्टेक्स वाला भाग पाया जाता है। कौन सा पाया जाता है, कॉर्टेक्स। कॉर्टेक्स से नीचे की अगर अपन बात करें तो क्या पाई जाती है बेटा, एंडोडर्मिस पाई जाती है। क्या पाई जाती है, एंडोडर्मिस। एंडोडर्मिस से नीचे क्या पाया जाता है बेटा, परिरंभ वाला भाग, जिसे अपन क्या बोलते हैं पेरिसाइकल बोलते हैं। और पेरिसाइकल के बाद में स्टिलिक रीजन। स्टिलिक रीजन में क्या पाए जाते हैं बेटा, जाइलम और फ्लोएम पाए जाते हैं। क्या पाए जाते हैं, जाइलम और फ्लोएम पाए जाते हैं। अब जो पैसिव एब्जॉर्प्शन होता है उनमें जल का अवशोषण किस प्रकार से होता है, देखिए पैसिव एब्जॉर्प्शन के दौरान यह बताया गया है कि जब पादपों में कौन सी प्रक्रिया होती है, वाष्पोत्सर्जन की प्रक्रिया होती है। कौन सी प्रक्रिया होती है, वाष्पोत्सर्जन की प्रक्रिया होती है, तो काफी अधिक मात्रा में जल की क्या होती है, हानि होती है। किनकी हानि होती है, जल की हानि होती है। जल की हानि होने से कोशिकाओं का जो ट्रगर प्रेशर होता है, स्पीड दाब क्या हो जाता है, कम हो जाता है। कोशिकाओं का जो ट्रगर प्रेशर होता है, टीपी होता है, वो क्या हो जाता है, कम हो जाता है, न्यून हो जाता है। अब ऐसी स्थिति में क्या करती हैं कोशिकाएं, अपने पास में पाई जाने वाली कोशिकाओं से जल को क्या करती हैं, ग्रहण करती हैं। और सभी कोशिकाएं एक दूसरे से क्या होती है बेटा, जुड़ी हुई पाई जाती है। सभी कोशिकाएं एक दूसरे से क्या होती हैं, जुड़ी हुई पाई जाती है। इस कोशिका का ट्रगर प्रेशर कम हुआ है तो ये इससे ग्रहण कर लेती है, फिर इसका ट्रगर प्रेशर कम हुआ है ये इससे ग्रहण कर लेती है। तो इस प्रकार से जो ट्रगर प्रेशर होता है, स्पीड दाब कम होता जाता है, तो एक प्रकार का चूषण बल क्या होता है, उत्पन्न होता है। क्या उत्पन्न होता है, चूषण बल उत्पन्न होता है। इस चूषण बल की वजह से ही, और ये जो चूषण बल उत्पन्न होता है ना, ये कहां तक पहुंच जाता है बेटा, मूल रोम की कोशिकाओं तक पहुंच जाता है, और मूल रोम के पास में पाए जाने वाले जल को चूषण बल की वजह से अंदर की तरफ क्या कर लिया जाता है, ग्रहण कर लिया जाता है। तो निष्क्रिय जल अवशोषण, वाष्पोत्सर्जन के कारण पादपों में जल की हानि, जल की हानि के होने के पश्चात पत्तियों में पराग जो ट्रगर प्रेशर होता है वो कैसा हो जाता है, कम हो जाता है। ट्रगर प्रेशर कम होने की वजह से एक खिंचाव या फिर एक चूषण बल उत्पन्न होता है। उस वह जो चूषण बल होता है धीरे धीरे कहां तक पहुंचता है, मूल रोम तक पहुंचता है। फिर मूल रोम की कोशिकाएं मृदा में उपस्थित केशिका जल को क्या करती है, ग्रहण करती है। तो इस प्रकार का जो जल अवशोषण होता है वो क्या कहलाता है, पैसिव एब्जॉर्प्शन कहलाता है। क्या कहलाता है, पैसिव एब्जॉर्प्शन कहलाता है। ये पार्ट आप लोगों का कुछ क्या रह गया था, शेष रह गया था। अब अपन बात करते हैं किसके बारे में, रसारोहण के बारे में। किसके बारे में बेटा, रसारोहण के बारे में। असेंट ऑफसेट, देखिए बेटा रसारोहण की अगर अपन बात करें तो आप लोगों को पिछली वीडियो में भी बता दिया गया था कि रसारोहण होता क्या है। रसारोहण पादपों में पाई जाने वाली वह प्रक्रिया है जिसके दौरान पादप मूल रोमों के द्वारा जल को अवशोषित करके विभिन्न भागों तक क्या करते हैं, स्थानांतरित करते हैं, जिसे अपन क्या कहते हैं, रसारोहण कहते हैं। रसारोहण जो होता है वो क्या होता है कि पादप अपने मूल भाग द्वारा या फिर भूमि से जल को अवशोषित करते हैं और विभिन्न भागों तक क्या कर देते हैं,
पहुंचा देते हैं, जिसे अपन क्या कहते हैं, रसारोहण कहते हैं। अब रसारोहण की जो प्रक्रिया होती है, सामान्यतः पादप कितने प्रकार के होते हैं, तीन प्रकार के, शाखीय भी होते हैं, झाड़ी नुमा भी होते हैं, इसके अलावा किस प्रकार के होते हैं, वृक्षीय प्रकार के होते हैं। तो जो वृक्षीय प्रकार के जो पादप होते हैं उनकी लंबाई कैसी हो सकती है बेटा, अधिकतम हो सकती है लगभग 100 मीटर के करीब के भी पादप क्या होते हैं, 100 मीटर से भी अधिक लंबाई के क्या पाए जाते हैं, पादप पाए जाते हैं। तो उनमें जो जल का अवशोषण होता है वो रसारोहण प्रक्रिया द्वारा ही होता है, या फिर अन्य किसी कारणों के द्वारा, या फिर अन्य किसी बलों के द्वारा होता है। इसे समझने के लिए समय समय पर अलग अलग वैज्ञानिकों द्वारा अलग अलग तथ्य क्या किए गए थे, प्रस्तुत किए गए थे, या फिर सिद्धांत क्या किए गए थे, प्रस्तुत किए गए थे। जिनमें एक सिद्धांत बताया था बेटा मैंने आप लोगों को, जैव बल सिद्धांत। कौन सा बताया था, जैव बल सिद्धांत। जो जैव बल सिद्धांत होता है वो क्या कहता है कि पादप की जो जाइलम कोशिकाएं होती है, कौन सी कोशिकाएं होती है बेटा, जाइलम कोशिकाएं होती है, उन जाइलम कोशिकाओं में जैविक बल पाया जाता है, उस जैविक बल की वजह से ही, उस जैविक बल की वजह से ही जल क्या करता है, नीचे से जल को प्राप्त, नीचे से जल को, पादप नीचे से जल को प्राप्त करके शीर्ष भागों तक क्या कर देता है, पहुंचा देता है। जिसमें आप लोगों को दो सिद्धांत बताए गए थे, एक तो कौन सा था बेटा, रिले पंप सिद्धांत। कौन सा था, रिले पंप सिद्धांत, जो किनके द्वारा प्रस्तुत किया गया था, गोल्ड लेवस की द्वारा। इसके अलावा दूसरा सिद्धांत था जिसका नाम था स्पंदन सिद्धांत, जिसका नाम क्या था बेटा, स्पंदन सिद्धांत, जो किनके द्वारा प्रस्तुत किया गया था बेटा, सर जेसी बोस द्वारा क्या किया गया था, प्रस्तुत किया गया था। तो जो रिले पंप सिद्धांत था उसके बारे में किसने बताया था, गोल्ड लेवस्की ने, और इन्होंने कहा था कि जाइलम जो कोशिकाएं होती हैं उनके परासरण दाब में आवर्ती परिवर्तन होते हैं, उन आवर्ती परिवर्तनों की वजह से ही जल नीचे से ग्रहण करके पादप के विभिन्न भागों तक क्या कर दिया जाता है, पहुंचा दिया जाता है। इसके अलावा दूसरा सिद्धांत जो था वो किनके द्वारा दिया गया था बेटा, सर जेसी बोस द्वारा। इन्होंने इसकी व्याख्या करने के लिए क्या किया था बेटा, एक प्रयोग किया था, उस प्रयोग में किनको काम में लिया था बेटा, एक तो गैल्वेनोमीटर काम में लिया था, किसको काम में लिया था, गैल्वेनोमीटर को काम में लिया था। इसके अलावा एक सुई को काम में लिया था, इसके अलावा एक गमला युक्त प्लांट लिया था। क्या किया था बेटा, गमला युक्त प्लांट लिया था। इस गमला युक्त प्लांट की जो लीफ होती है, पत्ती होती है, उसमें किस, उसमें किनको चुभो दिया था, सुई को चुभो दिया था, और सुई को फिर किनसे जोड़ा गया था, गैल्वेनोमीटर से। किससे जोड़ा गया था, गैल्वेनोमीटर से। जब इन्होंने पत्तियों की जाइलम कोशिकाओं में सुई को चुभोया तब जो गैल्वेनोमीटर होता है उनमें इनको दोनों तरफ से विक्षेप क्या हुए, प्राप्त हुए। तो इन्होंने बताया कि जो जाइलम कोशिकाएं होती है उनमें संकुचन एवं विकुंचन की प्रक्रिया पाई जाती है, संकुचन और विकुंचन की प्रक्रिया से ही जल मूल भाग से लेकर के शीर्ष भाग तक क्या होता है, पहुंच पाता है। इसके अलावा दूसरा जो सिद्धांत था वो कौन सा था बेटा, भौतिक बल सिद्धांत। दूसरा कौन सा था बेटा, भौतिक बल सिद्धांत। जो जैविक बल सिद्धांत तो ये कह रहा था कि रसारोहण के लिए जो आवश्यक बल है वो किन में पाया जाता है, जीवित कोशिकाओं में पाया जाता है। जबकि जो भौतिक बल सिद्धांत होता है ये कहता है कि रसारोहण के लिए जो आवश्यक बल होता है वो जीवित कोशिकाओं में उपस्थित ना होकर के किन्हीं बाह्य अन्य कारकों के द्वारा क्या होता है, उत्पन्न होता है, जिससे जल जो भूमि से निकल करके कहां तक पहुंचता है, पादप के शीर्ष भाग तक पहुंचता है, वो किसके अंतर्गत आते हैं, भौतिक बल सिद्धांत के अंतर्गत आते हैं। जिसमें पहला आप लोगों को बताया गया था बेटा केसी कत्तो सिद्धांत। कौन सा बताया गया था, केसी कत्तो सिद्धांत, जिसे अपन क्या बोलते हैं बेटा, कैपिलरी थ्योरी। क्या बोलते हैं, कैपिलरी थ्योरी बोलते हैं। जिसमें ये बताया गया था कि पादपों की जो कोशिकाएं होती है एक केसिका नली की तरह क्या करती है, कार्य करती है। और केसिका नली क्या करती है बेटा, जब उनको जल में डुबोया जाता है तो जल वो ऊपर की तरफ क्या करती रहती है, स्थानांतरित करती रहती है। लेकिन ये संभव नहीं है कि पादप की जो कोशिकाएं हैं, जाइलम की जो कोशिकाएं होती हैं, उनकी जो वाहिकाएं हैं उनका व्यास क्या होता है, अधिक होता है। उनका व्यास क्या होता है, अधिक होता है। वो एज ए केसिका नली की तरह क्या करे, कार्य करे। तो यह सिद्धांत भी रसारोहण को समझाने में क्या रहा था, विफल रहा था। इसके बाद में दूसरा सिद्धांत कौन सा था बेटा, अंतः शोषण का सिद्धांत। कौन सा था, अंतः शोषण का सिद्धांत।
अंत है शोषण का सिद्धांत। इसके अलावा तीसरा जो सिद्धांत था वो कौन सा था बेटा, वाष्पोत्सर्जन खिंचाव का सिद्धांत। कौन सा था, वाष्पोत्सर्जन खिंचाव का सिद्धांत, या फिर इसे अपन क्या कहते हैं, जल ससंजन तनाववाद का सिद्धांत। क्या कहते हैं, जल ससंजन तनाववाद का सिद्धांत। रसारोहण की प्रक्रिया को समझाने के लिए भौतिक बल सिद्धांत में सबसे इंपॉर्टेंट और सबसे मान्य जो तथ्यात्मक प्रमाण के रूप में मान्य है वो सिद्धांत कौन सा होता है बेटा, वाष्पोत्सर्जन खिंचाव का सिद्धांत, या फिर जल ससंजन तनाववाद का सिद्धांत, या फिर जल ससंजन सिद्धांत भी इसे कहते हैं। तो जो वाष्पोत्सर्जन जल ससंजन सिद्धांत है वो किनके द्वारा प्रस्तुत किया गया था बेटा, डिक्सन और जर्नी द्वारा। कौन से वैज्ञानिक द्वारा प्रस्तुत किया गया था, डिक्सन और जोली द्वारा क्या किया गया था, प्रस्तुत किया गया था। डिक्सन और जोली ने यह बताया था कि प्लांट के शीर्ष भाग में तो क्या पाई जाती है बेटा, पत्तियां पाई जाती है। शीर्ष भाग में तो क्या पाई जाती है, पत्तियां पाई जाती है। अगर पत्तियों की बात करें तो बाहर की तरफ क्या पाई जाती है बेटा, आउटर एपिडर्मिस पाई जाती है। नीचे की तरफ क्या पाई जाती है, इनर एपिडर्मिस पाई जाती है। बीच में इनका कौन सा भाग होता है, पर्णमध्योतक वाला भाग होता है। और इनमें जो जाइलम कोशिकाएं होती है वो एक दूसरे से इंटरकनेक्टेड पाई जाती है। जाइलम कोशिकाएं एक दूसरे से क्या होती है, इंटरकनेक्टेड पाई जाती है। और वो कहां तक पहुंचती है बेटा, मूल रोम वाले भाग तक क्या होती है, पहुंचती है। तो जाइलम कोशिका, जाइलम जो होता है उनमें जो वाहिकाएं पाई जाती है, उनमें क्या होती है बेटा, वाहिकाएं पाई जाती है। वो जल को क्या करती है, ग्रहण करती है। और वो कहां तक जल को पहुंचाती है, शीर्ष भाग तक पहुंचाती है। तो डिक्सन और जोली ने क्या बताया था कि जो जल होता है वो जाइलम की वाहिकाओं के माध्यम से मूलिय भाग से निकल करके कहां तक जाता है बेटा, शीर्ष भाग तक जाता है। अब शीर्ष भाग तक जाने के लिए उन्होंने इन्होंने दो प्रकार के बल बताए थे। एक तो कौन सा बल बताया था बेटा, ससंजन बल। कौन सा बताया था, ससंजन बल। इसके अलावा दूसरा बल जो बताया था उसका नाम था बेटा आसंजन बल। उसका नाम क्या था, आसंजन बल। ससंजन बल की बात करें तो इन्होंने बताया कि जो जाइलम की वाहिकाएं पाई जाती है उनमें जो जल के अणु होते हैं आपस में एक दूसरे के साथ में क्या होते हैं, जुड़े हुए पाए जाते हैं। आपस में एक दूसरे से क्या होते हैं, जुड़े हुए पाए जाते हैं। जब ये आपस में एक दूसरे के साथ में बंधे हुए पाए जाते हैं तो किसकी वजह से बेटा, ससंजन बल की वजह से क्या होते हैं, बंधे हुए पाए जाते हैं। दूसरा इन्होंने बताया बेटा आसंजन बल के बारे में, तो इन्होंने बता दिया जल के अणु वेजल्स मतलब जो वाहिकाएं होती है उनके साथ में भी क्या करते हैं, बंध बनाते हैं। उनके साथ में भी क्या करते हैं, बंध बनाते हैं। और उनके बीच में कौन सा बल पाया जाता है, आसंजन बल पाया जाता है। इस ससंजन बल और इस आसंजन बल इन दोनों की वजह से ही जाइलम की जो वाहिका होती है उनमें जल के अणुओं का एक अटूट स्तंभ बनता है। क्या बनता है बेटा, एक अटूट स्तंभ बनता है। इस अटूट स्तंभ की वजह से ही जल क्या करता है, मूल रोम वाले भाग से लेकर के पादप के शीर्ष भागों तक आसानी तक क्या कर दिया जाता है, पहुंचा दिया जाता है। इन दोनों फैक्ट्स को अपन किसके अंतर्गत लेते हैं बेटा, जल ससंजनवाद के अंतर्गत लेते हैं। किसके अंतर्गत लेते हैं, जल ससंजनवाद के अंतर्गत लेते हैं। आप दूसरी बात बताई थी इन्होंने किसके बारे में, वाष्पोत्सर्जन खिंचाव के बारे में। किसके बारे में बताई थी बेटा, वाष्पोत्सर्जन खिंचाव के बारे में, जिसके दौरान इन्होंने बताया कि जो पादप की जो पत्तियां होती है जब इनमें कौन सी प्रक्रिया होती है, ट्रांसपिरेशन की प्रक्रिया होती है। कौन सी प्रक्रिया होती है, वाष्पोत्सर्जन की जो प्रक्रिया होती है। इसके दौरान पत्तियों का जो स्पीड दाब क्या हो जाता है, कम हो जाता है। क्या हो जाता है, कम हो जाता है। जब इनको वाष्पोत्सर्जन का स्पीड दाब क्या हो जाता है, कम हो जाता है, तो एक प्रकार का चूषण बल क्या होता है, उत्पन्न होता है। जिस प्रकार से निष्क्रिय अवशोषण होता है ना, उस प्रकार से इनमें चूषण बल क्या होता है, उत्पन्न होता है। जो कहां तक पहुंचता है बेटा, मूल्य भाग तक पहुंचता है। और इसी चूषण बल की वजह से जल क्या करता है, नीचे से निकल करके शीर्ष वाले भाग तक क्या कर दिया जाता है, स्थानांतरित कर दिया जाता है। अब डिक्सन और जोली का जो वाष्पोत्सर्जन खिंचाव या जल ससंजन तनाववाद का जो सिद्धांत था इसकी पुष्टि करने के लिए कुछ प्रमाण दिए गए। उस प्रमाण में एक प्रयोग किया गया। उस प्रयोग के दौरान इन्होंने क्या किया बेटा, एक प्लांट लिया। क्या लिया बेटा, एक गमले युक्त प्लांट लिया। एक पादप ऐसा लिया जो किनमें था बेटा, गमले में था।
किसमें था, गमले में था। तो एक क्या लिया बेटा इन्होंने, गमला युक्त पादप लिया और इस पादप को फिर मरकरी मैनोमीटर में लगाया गया। किसमें डाला गया बेटा, मरकरी मैनोमीटर में क्या कर दिया गया, डाल दिया गया। और फिर कुछ समय पश्चात अध्ययन किया गया था, किया गया तो यह देखा गया कि जो मरकरी होती है वो जाइलम की कोशिकाओं के माध्यम से ऊपर की तरफ क्या करती है, गमन करती है। मतलब मरकरी का जो स्तर था वो क्या था, बढ़ा हुआ था। मरकरी का जो स्तर था वो क्या था, बढ़ा हुआ था। तो जल संसंधनवाद के प्रमाण के रूप में एक प्रयोग किया गया, गमला युक्त पादप लिया गया जिसको किनकी सहायता से जोड़ा गया बेटा, मरकरी मैनोमीटर की सहायता से जोड़ा गया। मरकरी मैनोमीटर में इनके मूल वाले भाग को किसमें रखा गया बेटा, मरकरी में रखा गया। मरकरी में रखने के पश्चात कुछ समय पश्चात देखा कि जो मरकरी होती है उनका जो स्तर होता है या फिर जो पारा होता है उनका जो स्तर होता है वो क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। मतलब जल मरकरी है जो पारा है वो नीचे के भाग से लेकर के ऊपर की तरफ क्या करता है, गमन करता है। अब तीसरा सिद्धांत बेटा आप लोगों को बताया गया था कौन सा, मूल दाब सिद्धांत। कौन सा सिद्धांत बताया गया था, मूल दाब सिद्धांत। मूल दाब सिद्धांत की अगर अपन बात करें तो मूल कोशिकाओं के द्वारा उत्पन्न जो दाब होता है उसे अपन क्या कहते हैं, मूल दाब सिद्धांत कहते हैं। क्या कहते हैं उसे, अपन क्या कहते हैं, मूल दाब कहते हैं। और इसी मूल दाब की वजह से जल नीचे से लेकर के ऊपर तक क्या करता है, गमन करता है। लेकिन रसारोहण की प्रक्रिया को समझाने के लिए मूल दाब सिद्धांत इतना महत्वपूर्ण साबित नहीं हुआ, क्योंकि मूल दाब सिद्धांत के द्वारा छोटे जो शाकीय पादप होते हैं उनमें ही जल शीर्ष भागों तक क्या किया जा सकता है, पहुंचाया जा सकता है। जो मूल दाब होता है उसका मान क्या होता है बेटा, काफी कम पाया जाता है। मूल दाब सिद्धांत के बारे में भी क्या दिए गए थे बेटा, प्रमाण दिए गए थे जिसमें भी एक प्लांट को लिया गया था। किसको लिया गया था बेटा, एक गमले युक्त प्लांट को लिया गया था। इस प्लांट को नीचे से क्या कर दिया गया बेटा, फिर काट दिया गया। यहाँ पर किनको जोड़ दिया गया, रबर नली को जोड़ दिया गया। किसको जोड़ दिया गया बेटा, रबर नली को जोड़ दिया गया। और रबर नली को फिर किनसे जोड़ दिया गया बेटा, दाब मापी के द्वारा क्या कर दिया गया, जोड़ दिया गया। तो कुछ समय बाद में देखा गया कि जो जल का स्तर होता है वो दाब मापी में ऊपर की तरफ थोड़ा बहुत क्या होता है, बढ़ा हुआ पाया जाता है। लेकिन इतना दाब उत्पन्न नहीं होता है कि 100 मीटर लंबाई के वृक्ष को शीर्ष वृक्ष को वृक्ष के विभिन्न शीर्ष भागों तक जल को क्या कर सके, पहुंचा सके। तो ये कौन सा था बेटा अपने पास में, मूल दाब सिद्धांत। अब नेक्स्ट जो अपनी वीडियो होगी उस वीडियो में अपन बात करेंगे किसके बारे में, वाष्प उत्सर्जन के बारे में। धन्यवाद।